दोस्तों, गोविंदा बॉलीवुड का एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में एक अहम जगह बनाई है। 90 के दशक के सबसे बड़े एंटरटेनर गोविंदा ने सन 1986 में फिल्म इल्जाम से अपने करियर की शुरुआत की थी और 2003 में राजनीति में आने से पहले तक उन्होंने बॉलीवुड को कई सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं और हिंदी सिनेमा जगत में गोविंदा का अपना अच्छा खासा नाम है। अपनी हर फिल्म, चाहे वो कॉमेडी हो या एक्शन, हर किरदार से अपने दर्शकों और फैंस का दिल लूट लेने वाले गोविंदा इस साल अपना 56वां जन्मदिन मना रहे हैं। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई में हुआ था और गोविंदा की पर्सनल लाइफ भी काफी फिल्मी रही। एक वक्त पर उनका नाम एक्ट्रेस नीलम से भी जुड़ा। कहा तो यह भी जाता था कि गोविंदा ने नीलम के लिए अपनी सगाई तक तोड़ दी थी। गोविंदा ने नीलम के साथ करीबन 10 फिल्में की थीं, जिसमें से उनकी तकरीबन 6 फिल्में सुपरहिट थी। नीलम के साथ उनकी आखिरी फिल्म कसम थी, जो कि सन 2001 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। नीलम का गोविंदा के साथ लंबा अफेयर रहा। उस वक्त गोविंदा भी नए थे और वो नीलम से मिलने के बाद उनसे प्यार कर बैठे। उस दौरान गोविंदा सुनीता को भी डेट कर रहे थे। नीलम की वजह से गोविंदा और सुनीता में काफी झगड़े होते थे। गोविंदा ने सन 1986 से फिल्मी करियर की शुरुआत की। उन्होंने राजा बाबू, कुली नंबर वन, हीरो नंबर वन, दूल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी। गोविंदा 12 बार फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेटेड हुए। एक फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड और 4 जी सिने पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं गोविंदा। दोस्तों, अगर आप गोविंदा के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए। और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ रोमांचक खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतज़ार करिए। नमस्कार, जय हिंद।